नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं मासिक राशि फल के साथ। अप्रैल का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी पर आप सभी के साथ आज मैं चर्चा करूंगा। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डाल लेते। सूर्य मीन राशि में विराजमान है, वही शुक्र ग्रह वृषभ राशि में विराजित है, राहु ग्रह मिथुन राशि में विराजित रहेंगे, चंद्रमा कर्क राशि में जो कि हमेशा परिवर्तित होते रहते। केतु ग्रह धनु राशि में विराजमान है, मकर राशि में गुरु मंगल एवं शनिदेव विराजित है, वही बुध ग्रह कुंभ राशि में विराजमान है। सबसे पहले अब देखते हैं कि किस तरीके का रहने वाला है यह महीना आपके। सबसे पहले आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही जबरदस्त इस महीने रहने वाला है, और साथ ही साथ में आपका जो डिसीजन होगा इस महीने में बहुत ही परफेक्ट होगा, यानी कि एकदम सही निर्णय आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। तो निर्णय अगर सही होगा तो फिर लोग भी आपसे बहुत हद तक प्रभावित होंगे। इंस्पायरेबल पावर जो है वह इस महीने आपका बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है, और जहां सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िया है वहां सारे बिगड़ते हुए काम बनने के जो आसार हैं वह कई गुना अधिक बढ़ जाते हैं। धन की स्थिति की बात करें तो 14 अप्रैल को सूर्य ग्रह राशि को परिवर्तित करके मेष राशि में विराजमान होंगे। उस समय से आपकी जो स्थिति है, स्पेशली धन से रिलेटेड जो स्थिति है, वह काफी हद तक मजबूती की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे वहां से स्थिति काफी हद तक आपके पक्ष में रहेगी, जिससे कि आपके कुटुंब या फिर परिवार के लोग आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, आपकी वाणी बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। साथ ही साथ में किसी भी तरीके का नेत्र से रिलेटेड अगर समस्या रही है पहले से, तो उससे भी आप इस टाइम फ्रेम के अंदर छुटकारा पाने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे इस महीने में। वहीं पे कई सारी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कामकाज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। साथ ही साथ में भाई बहनों का मधुर संबंध इस महीने में दिखाई दे रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रेम आप भाई बहनों में रहने वाला है इस महीने में, जिससे आपका समय और भी अनुकूल हो जाएगा। साथ ही साथ में जो लोग लेखन या फिर डांसिंग या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है, स्पेशली कामकाज के दृष्टिकोण से। अगर देखा जाए आपके मित्रों का सहयोग भी आपको इस महीने में भरपूर प्राप्त होगा, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी आपको, अन्यथा माता जी का आशीर्वाद मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आपको जिस तरीके का प्रेम आप करते हैं वहीं पे आपको वाहन खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, अगर आपने प्लानिंग पहले से किया है तो 15 तारीख के बाद उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना चाहिए आपको। वाहन खरीदने का जो प्लानिंग है या किसी लंबे इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जाना चाहते हैं तो इस महीने में आपको थोड़ा सा 20 तारीख के आसपास तक बचना चाहिए, उसके बाद लास्ट में आप इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, वह आपके लिए काफी हद तक फायदेमंद रहने वाला होगा। इस महीने में आपका मन हमेशा प्रसन्न रहने वाला दिखाई दे रहा है, काफी हद तक प्रसन्न रहेंगे, और जो लोग प्रेम करते हैं उनके लिए बड़ा शुभ समय इस महीने में दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी लगभग समय इस महीने में बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है, और प्रेमी जोड़ों के लिए तो कहना ही नहीं है, बहुत ही जबरदस्त समय है इस महीने में। संतान पक्ष से आ रही बाधाओं को दूर करने में आप काफी हद तक इस महीने में कामयाब रहेंगे, या फिर जो लोग संतान से संबंधित किसी भी तरीके का प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा यह महीना शुभ दिखाई दे रहा है। शत्रु थोड़ा सा आपको क्षणिक परेशान इस महीने में कर सकते हैं, लेकिन अंततः पराजय उनका तय दिखाई दे रहा है। किसी तरीके का रोग अगर स्पेशली हड्डी से संबंधित है आपको तो उससे भी आप छुटकारा प्राप्त करने में काफी हद तक कामयाब रहने वाले हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला आपका चल रहा है, जो काफी समय से चल रहा है, उससे निजात आपको बिल्कुल मिलने का नाम नहीं ले रहा है। इस महीने में लगभग जीत की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े तो जीत लगभग आपकी पक्की दिखाई दे रही है। पति पत्नी के बीच बेहतरीन संबंध स्थापित करने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, अन्यथा छोटी मोटी बातों को लेकर
समस्या बड़ी खड़ी हो सकती है। वहीं पे पार्टनरशिप की भी स्थिति कुछ इसी तरीके की दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में पार्टनर के साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी इस महीने में आपको। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपका बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है इस महीने में। विशेष करके जो लोग कंस्ट्रक्शन या फिर जुडिशियल फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए भी यह महीना बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। भाग्य की स्थिति भी इस महीने जबरदस्त आपकी दिखाई दे रही है। कुछ लंबी यात्रा भी आपकी हो सकती है इस महीने में। वहीं पे अगर आप देखा जाए तो आपके जो कलिक्स हैं वह आपके खिलाफ थोड़ा सा षड्यंत्र रचते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। 15 तारीख के बाद से समय आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, तो उस समय आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं। किसी भी तरीके का प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट रुका हुआ है काफी समय से, उसमें आप काफी हद तक कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, और यानी कि इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से भी यह महीना लगभग अच्छा आपके लिए दिखाई दे रहा है। कहीं किसी भी तरीके का पैसा आपका फंसा हुआ था काफी समय से, जो मिलने की संभावना काफी हद तक कम हो गई थी, जिसकी आशा आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया था, तो उसी निराशा में कहीं ना कहीं आशा की एक ज्योति दिखाई दे रही है। मिलने की संभावना काफी हद तक बढ़ रही है। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करके किसी भी अच्छे काम के लिए अगर आप जाते हैं तो वह काम बनना लगभग आपका तय दिखाई दे रहा है। खर्च के दृष्टिकोण से मध्यम यह महीना आपका दिखाई दे रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर यह महीना आपका बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। 9 एवं 10 अप्रैल को और 22 एवं 23 अप्रैल को अगर आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो किसी भी तरीके का संबंध आपका खराब नहीं होगा लोगों के साथ। कहीं आपका धन नुकसान का जो योग छोटा मोटा बन रहा है उससे भी आप निजात पाने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे। कोई वृद्ध ब्राह्मण अगर आपको मिलता है मार्ग में चलते हुए तो आप उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें, और संभव हो तो ब्राह्मण को कुछ पीले वस्तुओं का दान गुरुवार के दिन आप करें, आपके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। मित्रों, कोरोना नाम के महामारी से दुनिया आज जूझ रही है। भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हैं, और भारत के भी लोग परेशान हैं। तो घर में रहें और सुरक्षित रहें, साथ ही साथ में देवी देवताओं के शरण में रहें तो वो उससे आपका कल्याण होना लगभग तय है। साथ ही साथ में 14 अप्रैल 2020 को सूर्य ग्रह जब राशि को परिवर्तित करके मेष राशि में विराजमान होंगे, वहां से इससे निकलने की पूरी संभावना दिखाई दे रहा है, तो सुरक्षित रहें और मस्त रहें। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। यदि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं और उस समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिल रहा या फिर समाधान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।